ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड, भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित, कल्याण स्वरूप, अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, मल रहित, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे हैं, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वैत भगवान श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतिदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे ये निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य हैं, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा ये सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं, हे महामते श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं, उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं, वे जरा मरण से रहित हैं, वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्रीहरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरणाक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पांचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्रीहरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्रीहरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मन्वंतर में वे आकूति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। दसवें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मन्वंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को
पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्रीहरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्रीराम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्रीहरि ने वृष्ण वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्रीहरि विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो ये है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेत्ता तथा श्रेष्ठ प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियाँ कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। गरुड़ पुराण की वक्त श्रोत्र परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वो सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यासदेव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को जिस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव,
आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए। जिनमें संपूर्ण जगत का वास है, प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूजितम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ। जिन सत असत से परे ऋत, सत्य स्वरूप, एकाक्षर, प्रणव स्वरूप, परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, ऐसे उन विष्णुदेव का मैं ध्यान करता हूँ। जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनकी सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत आदि के कारण तथा स्वयं अनादि हैं, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ। जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप पर निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके ये जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको ये बताएं कि कौन देवाति देव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वो स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में ये विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मन्वंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं और ये सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है, हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व हैं उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यानयोग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव,
मैं ही संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ। मैं ही योगी, आदि योग और पुराण हूँ। ज्ञाता, श्रोता तथा मननकर्ता मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सभी कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ। मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ। मैं ही सर्वज्ञानमय हूँ। मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ। मैं ही धर्म हूँ। मैं ही वैष्णव हूँ। मैं ही वर्णाश्रम हूँ। मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को, नागों की माता कद्रुकी की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणी ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में ये गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम उम स्वाहा ये जप करने योग्य गारुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुनें।